हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मंडाला क्राफ्ट, मंडाला आर्ट, मंडाला पेंटिंग। और आज हम लोग बहुत बेसिक स्टेप्स करेंगे एंड मैं आपको सब ऑल्टरनेटिव टूल्स भी बताऊंगी कि आप अगर घर पे अभी कोरोना की वजह से आप क्राफ्ट शॉप में नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे कौन सी चीज़ यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हो। सो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं मंडाला क्राफ्ट। सो मंडाला के लिए पहले हमें चाहिए कोई भी लकड़ी का कटआउट, या अगर आपके पास ये बेस नहीं है, वुडन बेस नहीं है, तो आप कोई भी हार्डबोर्ड लेकर के उस पर ब्लैक पेपर से कवर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी सीढ़ी, वेस्ट सीढ़ी भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमको लगेंगे ये बॉल टूल्स, दिस आर द बॉल टूल्स। ये बॉल टूल्स से हमारा शेप्स बहुत अच्छे आएंगे, हमारे जो मंडाला के शेप्स हैं, बॉल्स हैं, राउंड्स हैं, वो बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, दिस वी यूज फॉर पंच क्राफ्ट एंड द अदर क्राफ्ट, सॉस्पेसो क्राफ्ट या पार्चमेंट क्राफ्ट। बट इफ़ यू डोंट हैव दिस टूल, देन यू कैन गो फॉर दिस पेंटिंग ब्रश। आपके पास मोस्टली हर साइज़ के पेंटिंग ब्रश रहेंगे। ये पेंटिंग ब्रश में अलग अलग साइज़ के पीछे बॉल्स रहेंगे, तो ये बॉल्स हमको, ये सिर्फ अलग अलग साइज़ के राउंड्स चाहिए। तो ये पेंटिंग ब्रश भी आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये ईयरबड यूज़ कर सकते हो। ये ईयरबड में एक साइड आपको ये कॉटन रखना है और एक साइड का ये कॉटन पूरा ही रिमूव कर देना है, और उसको जितना हो सके आप रिमूव कर दीजिए, जितना हो सके उतना एक साइड का, लाइक दिस। ओनली स्टिक और एक साइड आपको कॉटन रखना है। और आप कोई भी पेंसिल जिसके पीछे, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है वो पेंसिल, या जिसके पीछे वो रबर लगा हुआ रहता है, आप वो रबर वाली पेंसिल यूज़ कर सकते हो और टूथपिक यूज़ कर सकते हो। तो ये तो आपके घर पे अवेलेबल होगा, तो आप इससे भी मंडाला आर्ट कर सकते हो। मंडाला के लिए जो कलर्स हैं, स्पेसिफिकली मंडाला के लिए कलर्स हैं, वो क्राफ्ट चोको पेंट हम यूज़ करते हैं, बट मेरे पास भी अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो आई एम शोइंग यू विद द फेविक्रिल कलर्स। सी दिस, सो हम लोग फेविक्रिल के कलर्स ही से ही आज मंडाला क्राफ्ट करेंगे। यू कैन यूज़ अ फेविक्रिल पर्ल कलर ऑल्सो, बट ये फेविक्रिल कलर्स, इससे भी ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। एंड वी नीड वार्निश, हमको वार्निश लगेगा। और कोई भी कलर्स आप ले सकते हो, कोई भी दो कलर कॉम्बिनेशन में भी आप ले सकते हो, या मल्टी कलर्स में भी ले सकते हो। और अभी हम यूज़ करेंगे पहले फेविक्रिल ब्लैक कलर, और आज हम लोग फेविक्रिल गोल्डन येलो कलर, फेविक्रिल ऑरेंज कलर, फेविक्रिल ब्लू कलर और फेविक्रिल रेड कलर, ये सब हम यूज़ करेंगे। एंड आई डोंट हैव फेविक्रिल वाइट कलर, सो आई एम यूजिंग दिस पोस्टर कलर जो वाइट कलर का है, इससे भी मंडाला आर्ट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर बिगिन विद द मंडाला क्राफ्ट। सो फर्स्ट आप ब्लैक कलर लीजिए, और आपको जितना हो सके पानी का यूज़ बहुत कम करना है और निग्लिजिबल ही करना है। और यस, आप ये स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसके पीछे जो राउंड्स हो, जो फ्लैट राउंड्स हो और आगे पॉइंट हो, ये भी हम मंडाला आर्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो वी नीड अ ब्रश, वी नीड अ वाटर, एंड जस्ट डीप अ लिटल पोर डिप एंड जस्ट स्टार्ट पेंटिंग अ ब्लैक कलर। जितना हो सके आप कम से कम ब्लैक कलर यूज़ कीजिए, कम से कम ब्लैक कलर यूज़ कीजिए आप। Yeah.
अच्छे से आप ब्लैक कलर को पेंट कीजिए और कीप इट फॉर 5 मिनट्स। ये फेविकल कलर है, ये बहुत जल्दी से सूख जाता है और हो सके तो ब्रश को एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, इसको साइड से भी करना है और साइड हो जाने के बाद आपको उसको उल्टा करके बैक साइड भी ब्लैक पेंट करना है। कीप इट फॉर ड्राइंग फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड हम लोग इसको ड्राई करने के लिए पहले रख देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वी आर रेडी विद द ब्लैक कलर्स। अभी हम सेंटर लेंगे ये। हम कॉस्टल बना रहे हैं, आप कोई भी स्टोन पे भी कर सकते हो या सीडी पे भी कर सकते हो या आप स्क्वायर में भी ले सकते हो, बट मोर प्रेफरेबली वी आर यूजिंग द राउंड बेस। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द वाइट कलर। जब भी आप मंडाला स्टार्ट करते हो तो मोस्ट प्रेफरेबली आप लाइट कलर्स अगर सेंटर में लेते हो तो वो और ब्यूटीफुल दिखेगा। सो जस्ट डीप इट, उसको डीप कीजिए और जस्ट मेक श्योर कि वो ऊपर तक नहीं आना चाहिए और उसको सेंटर में रख करके सिर्फ छोड़ना है। We are using this tool, this one. See this? आप हो सके इतना दो डॉट्स के बीच में एक डॉट लेने की ट्राई कीजिए, उससे वो डिजाइन ब्यूटीफुली निखर के आएगी। जस्ट आपको डीप करना है और ले लेना है। देखो वो टूल्स जरा भी ऊपर तक कलर जाने नहीं चाहिए। नाउ वी आर यूजिंग स्लाइटली बिगर टूल देन दिस एंड वी आर डूइंग इन बिटवीन दिस टू लाइंस। और आपको बाहर की तरफ करते जाना है, जैसे हम रंगोली की डिजाइन करते हैं बाहर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, वैसे हमको बाहर की तरफ बढ़ते जाना है। कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करनी है, आपको राउंड में ही डिज़ाइंस करते जाना है स्टेप वाइज। कोई भी टूल आप जब यूज़ कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, पानी में डिप करना है उसको, पानी में डिप करना है उसको और बहुत अच्छे से उसको क्लीन करना है, क्योंकि दूसरे कलर का कोई भी पैच आना नहीं चाहिए। देन वी आर यूजिंग द ऑरेंज कलर। अभी आप ये जो इन बिटवीन जो स्पेस दिख रही है वहाँ पे हम वाइट डॉट्स करेंगे, जिससे वो स्पेस आपकी कवर अप हो जाएगी। लाइक दिस, उसके बाद हम ऑरेंज बिग टूल लेंगे
after completing this, again we have to cover up the space with the white dots. आप कोई भी कलरफुल डॉट्स भी कर सकते हो, बट हर कलर्स के साथ वाइट कॉम्बिनेशन ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. इसके लिए हम वाइट कलर से करेंगे. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप थोड़ी देर के बाद भी वाइट डॉट्स कर सकते हो. See this? Now we are using the blue color. अब कोई भी कलर लोगे पहले उसको अच्छे से शेप करना है. ये क्राफ्ट आपको बहुत ही शांति से करना है, कोई घाई नहीं करनी है. आप 20-25 मिनट्स का टाइम निकाल करके बैठ के करें तो ये ब्यूटीफुल होकर के आएगा. आप घाई घाई में करोगे तो ये बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं. इससे आपकी आँखों का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा. आपको एक लाइन में ही करना है. हम लोग ये जो कॉस्टल बना रहे हैं ये बहुत बेसिक डिज़ाइंस हैं. इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जब भी हम फर्स्ट पीस बना रहे हैं तो मैं आपको बहुत बेसिक टेक्निक सिखा रही हूँ. बहुत बेसिक है ये. नाउ यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द टूल. आपको वाटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ कलर्स यूज करने हैं और आपका कलर अगर थिक हो गया है और आप सोचोगे कि पानी से उसको मैं लिक्विड कर दूं तो ऐसा बिल्कुल मत करना, उससे आपकी पूरी पेंटिंग बिगड़ सकती है. See this? अभी हम जो ब्लैंक स्पेस है उसको वाइट कलर से फिलअप करेंगे. स्पेस को वाइट डॉट से फिलअप कर देंगे. सो नाउ वी आर डन विद द ब्लू कलर. नाउ वी आर यूजिंग द रेड वन. And make a circle. The outline of the red color.
Now we are done with the red color, filling the space in between the red color with the white color. See this? So my mandala coaster is ready. अभी आप उसको completely dry होने के लिए रख दीजिए. Keep it drying, keep it for at least 15 to 20 minutes, or if possible keep it for 1 hour. जब तक ये completely dry नहीं हो जाता है, उसके बाद या आप next day उस पर एक वार्निश का कोट कीजिए, उससे वो एकदम से शाइनिंग लुक आ जाएगा और ये एकदम अट्रैक्टिव लगेगा. दिस कॉस्टर यू कैन यूज़ आप अपने घर पे किधर भी एज ए टी कॉस्टर ये यूज़ कर सकते हो. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू.